मैं पूरे कॉलेज कभी तुमसे ये कह नहीं पाया, लेकिन कॉलेज के पहले दिन ही इंस्टेंट कॉफ़ी वाला प्यार हो गया था आपसे। और इंस्टेंट कॉफ़ी वाला जो प्यार होता है वो रह रहे के उबाल मारता है। तुम जो अपनी सहेलियों के साथ क्लास में सबसे पीछे जाके बैठती थी और उनसे हंस हंस के बातें करती थी, तुम जो कभी किसी लड़के से बात नहीं करती थी, मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई, और नॉर्मली किसी लड़के की हिम्मत होती भी नहीं है लखनऊ जैसे शहर में जब हम बड़े हो रहे थे 90s में, कि मैं आपके पास आता और मैं तुमसे कहता कि संगीता कि मेरे साथ कॉफ़ी पी लो। इतनी सी बात कहने की हिम्मत नहीं हुई, तब इतने कैफ़े कॉफ़ी डे भी नहीं थे यहाँ पे, तब एक नदिया किनारे हुआ करता था जब हम लोग कॉलेज में थे, और वहाँ पे जाओ तो कोई ना कोई मोहल्ले का रिश्तेदार मिल ही जाता था। तो फिर मैं बड़ी हिम्मत करके संगीता जी के पास गया और मैंने कहा, हाय संगीता, आई एम दिव्य, दिव्य प्रकाश बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। तो तुमने और तुम्हारी सहेलियों ने, जैसे आपकी सहेली पड़ोस में बैठी हुई है, ये ऐसे ही हंस रही थी और ऊपर से नीचे तक मुझे घूरा और वो हंसने लगी, फूट फूट कर हंसने लगी, और कहा, तुम दिव्य प्रकाश हो तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। जैसे ही तुमने ये बोला और वो तुम्हारी सहेलियाँ फूट फूट कर हंसने लगी, और हंस वो रही थी, फूट मैं रहा था मन ही मन, अंदर ही अंदर। और ये पूरी दुनिया में, नीलोत्पल, पूरे हिंदुस्तान में ही, तुम तो मुखर्जी नगर में कोचिंग की हो और श्रीधर ने जबलपुर की वो दुनिया देखी है, ये पूरे हिंदुस्तान में, मतलब पूरी दुनिया में, केवल हिंदुस्तान में ऐसा होता है कि जब कोई लड़की हंसती है और उसकी सहेली को वो बात ना पता हो तो भी वो साथ में हंसने लगती है। ये पता नहीं कैसे आप लोगों की केमिस्ट्री मैच कर जाती है, मुझे समझ नहीं आता। खैर, जब आपने हंसने वाला जो है कांड हो गया, उसके बाद अगले 6 महीने मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं तुम्हारे पास आऊं और मैं चाय या कॉफ़ी के लिए पूछूं। कॉलेज वैसे ही बीतता रहा और तुम अपनी सहेलियों के साथ वैसे ही हंसती रही, लेकिन जो ये इंस्टेंट कॉफ़ी वाला प्यार होता है, ये रह रहे के उबाल मारता है, रह रहे के। हुआ क्या कि एक दिन तुम क्लास में लेट आई और क्लास शुरू हो चुकी थी, और वैसे भी स्कूल और कॉलेज में यही एक बेसिक फ़र्क होता है कि स्कूल में लोग आगे वाली सीट घेरने के लिए जल्दी आते हैं और कॉलेज में पीछे वाली सीट घेरने के लिए। तो आगे वाली सब सीटें भर चुकी थी, जब तुम आई तो तुमने ध्यान नहीं दिया, तुम गलती से मेरे पड़ोस में आके बैठ गई। और इसके बाद जो ये बात हुई, ये तो अजय सर को आप कभी मत बताइएगा जो मैं बताने वाला हूँ। तो उसके बाद तुम आके बैठ गई और जो लेक्चर एकदम से, शायद केमिस्ट्री का लेक्चर था या पता नहीं, मुझे याद नहीं, इंग्लिश का लेक्चर था, बहुत बोरिंग लग रहा था, एकदम से बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगा। और मुझे लगा ये मौका आज मिस नहीं होना चाहिए। ऐसा पहली बार हुआ था कि अजेश भी तुम्हारे साथ नहीं थे। खैर, पहली बार ऐसा हुआ था कि तुम्हारी कोई सहेली भी तुम्हारे आसपास नहीं थी। लेक्चर के बीच में मैंने हिम्मत कर ली कि आज तो बात करनी ही है, और उसके बाद मैंने अपनी रजिस्टर के पीछे वाले पन्ने से एक पर्ची निकाली और वो फाड़ के तुम्हारी तरफ बढ़ा दी और लिखा, सॉरी पहले दिन की बात के लिए। तो तुमने पर्ची देखते ही पर्ची फाड़ दी, जैसा कोई भी लखनऊ की लड़की करती, और पता नहीं क्या सोच के तुमने 10 मिनट बाद एक पर्ची पे लिखा, इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो मैंने लिखा कि एक चीज़, तुमने पूछा क्या, तो मैंने कहा कि कैंटीन में कॉफ़ी, प्लीज़ मना मत करना। तो तुमने उसमें ओके लिखा और एक स्माइली बना दी। स्माइली का आविष्कार तभी हुआ था, उसके बाद से मोबाइल में आई है ना। उसके बाद मैंने लिखा कि कैंटीन में कॉफ़ी, प्लीज़ मना मत करना, तो तुमने स्माइली जब बना दी, तो उसके बाद मैंने कहा एक चीज़ और। अब तुमने इरिटेट होके पूछा, क्या एक चीज़ और, इतने सवाल पूछ लिए पर्ची में तुमने। तो मैंने कहा कि बस प्लीज़ अपनी सहेलियों को लेके मत आना और कैंटीन में आना। ये पढ़कर तुम जैसे ही हुआ, तुम बहुत ज़ोर से हंसने लगी और हंसने की वजह से हम लोगों को क्लास के बाहर निकाल दिया गया। आज, और ये आज मैं कहानी में बता रहा हूँ, ये उस दिन की बात है जब कार्ड आया था, आज जब तुम्हारे शादी के कार्ड का ईमेल आया है जिसमें लिखा है प्लीज़ ट्रीट दिस एज पर्सनल इन्विटेशन, तो पता नहीं क्यों ये सब कुछ याद आ गया। एक पर्ची पे लिख के ही भेज दिया होता तो तुम्हारी शादी में पक्का आ जाता।